दोस्तों, रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड डेब्यू हिंदी फिल्म पुष्पा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और साथ ही साथ इस फिल्म का एक पहला गाना भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे कि हिंदी में काफी पसंद किया गया था। अब दोस्तों, इस फिल्म के दूसरे गाने श्रीवल्ली की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसे कि 13 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है और इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिवील कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस गाने को हिंदी में रिलीज किया जाएगा या नहीं, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। बताते चले दोस्तों आपको कि कल इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के दूसरे गाने यानी कि श्रीवल्ली के ऑफिशियल सिंगर के अनाउंसमेंट की, जो कि इस गाने को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में गाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदी सिंगर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। बताते चले दोस्तों आपको कि रूमर्स आ रहे हैं कि इस फिल्म के दूसरे गाने को हिंदी में जावेद अली जैसे बेहतरीन सिंगर गाने वाले हैं, जो कि इससे पहले गुजारिश और कहने को जश्न बहारा जैसे बेहतरीन सॉन्ग गा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, उनकी आवाज को ऑडियंस काफी पसंद भी करती है। यही वजह है दोस्तों कि श्रीवल्ली को हिंदी में जावेद अली ही गाने वाले हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इसका म्यूजिक डीएसपी ने कंपोज किया है और साथ ही साथ दोस्तों, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल 17 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों, जिस तरह से अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का क्रेज ऑडियंस के बीच में बढ़ता ही जा रहा है, उससे एक बात तो साबित हो चुकी है कि अल्लू अर्जुन पैन इंडिया के एक बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं और बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये फिल्म हिंदी में भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि इस फिल्म के दूसरे गाने की ऑफिशियल हिंदी अनाउंसमेंट कब होती है और इस गाने को कौन गाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा और क्या आप अल्लू अर्जुन सर की इस फिल्म को डायरेक्ट सिनेमाघरों में देखने जाएंगे या फिर यूट्यूब पर इस फिल्म का इंतजार करेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।